खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पूर्व प्रधान व वर्तमान बीडीसी पक्ष में मारपीट और फायरिंग हुई है। बीडीसी पक्ष के दो लोगों को गोली लगी है। दोनों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के दौरान पूर्व प्रधान पक्ष के भी एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। पूर्व प्रधान रविंद्र की ओर से लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की गई थी। घटना में बीडीसी हरेंद्र व उसके साथी सुरेश को गोली लगी है। सूचना पर एसएसपी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूर्व प्रधान को रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही चार अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। ये थाना कोतवाली देहात रात करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और उसमें फायरिंग हुई है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो तथ्य इस प्रकार के प्रकाश में आए हैं कि ये दो पक्ष हैं। एक रविंदर जो कि पूर्व प्रधान है और एक हरिंदर है जो कि वर्तमान में बीडीसी है। इन ये दोनों पहले साथ में थे, बाद में इन दोनों के बीच में अलगाव हो गया था और आज यहाँ मिठाई की दुकान को लगाने के लेकर के इन दोनों में कहासुनी हुई थी, जिसमें आपस में इन दोनों पक्ष ने एक दूसरे के ऊपर कुछ कमेंटबाजी की, जिसको लेकर के आज रात्रि 11:30 बजे दोनों पक्ष में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान रविंदर जो कि पूर्व प्रधान है उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिससे दो लोग घायल हुए हैं। वर्तमान में उनको मेरठ रेफर किया गया है और वो इलाजरत हैं। उनकी स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाई जा रही है। इसी घटना के दौरान जो रविंदर पक्ष है उसके एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। उसके शरीर पे कहीं कोई जाहिरा चोट नहीं है और संभवतः हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, परंतु मृत्यु का सही कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर लिया गया है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रविंदर जिसने की गोली चलाई थी उसे मैं उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर जिससे कि उसने फायरिंग की थी गिरफ्तार कर लिया गया है। चार अन्य लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी सीसीटीवी देखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बुलंदशहर से नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।